वीरवार को चंडीगढ़ में बैलेट पेपर पर नाम व तस्वीरें मेहरी रहेंगी, किंतु उन दोनों जगहों पर केवल कांग्रेस ही कांग्रेस ही होगी। इसलिए हम सबने मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना है। ये बात चंडीगढ़ संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सांसद की केवल एक ही सीट है, इसलिए टिकट केवल एक ही व्यक्ति को मिलनी थी, किंतु टिकट की दावेदारी का आवेदन देना हर किसी का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बंसल ने कहा कि जब पार्टी स्तर पर टिकट लेने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो सबने एक ही स्वर में कहा कि उन्हें केवल पवन बंसल ही चाहिए। लोगों के इस विशेष स्नेह व प्यार के लिए वह विशेष रूप से धन्यवादी और आभारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वह सही जंग जीतेंगे, इसलिए इस जीत के लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए ऐसा माहौल बनना चाहिए कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को सांसद समझे। कल ही आपको पता है कि टिकट अनाउंस हुई है, तो कल एक बधाइयों का सिलसिला पवन बंसल जी के लिए था, तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, कांग्रेस के वर्कर शहर के लोग। तो आज हमने पहली जो प्रदेश की मीटिंग बुलाई है टिकट अनाउंस होने के बाद, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे फैसले लेंगे कि किस तरीके से हमने इलेक्शन को लड़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आज ये पहली मीटिंग है जहाँ पवन बंसल जी का स्वागत भी किया गया, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन को आगे कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, बिकॉज बहुत लंबा टाइम है, 45 दिन, उसके लिए हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो हम 4.5-4.75 साल से लगातार लगे हुए हैं, इलेक्शन ही चला रहे थे, क्योंकि जब जनविरोधी नीतियों का आप विरोध करते हो किसी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमने पूरा डट के विरोध किया, क्योंकि हर वर्ग दुखी था उसके राज में, चाहे वो छात्र थे, युवा थे, महिलाएं थी, छोटा दुकानदार था, मुलाजिम था, हर आदमी दुखी था, किसान था। तो उसको लेके हमने लगातार प्रदर्शन भी किया, उनकी आवाज़ भी उठाई, चंडीगढ़ में राशन बंद होने का मामला था, बहुत से ऐसे मामले हैं, महंगाई, उनको लेके हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा था, तो इनको लेके हम लोगों ने लगातार पिछले 4.5 साल आवाज़ उठाई है, और उसका आज मुझे पूरी उम्मीद है कि चंडीगढ़ की जनता बिल्कुल जागरूक है और इस बात को समझ चुकी है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस को जिताना है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कैमरामैन अजय चौधरी के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।